स्कंद पुराण कहती है जिस व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है और कर्जा चूकता नहीं है, आप बहुत प्रयास कर लिए, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, यहां से लिया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, तो निवेदन है कभी मौका लगे कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए मानसिक टेंशन में परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। और यदि निवेदन करूंगा बहुत ज्यादा यदि आपको कर्जा हो गया है, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए एक लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल, चावल पीस के गला लेना चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दो। महाराज वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को एक कोई धागे में बांधकर या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखना, लगभग लगभग 2 से 3 महीना पटक कर रखो। वो जड़ जैसे बड़का पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जल वृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़का वृक्ष आप रूप फैलता जाता, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है। उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है 1 महीना 2 महीना 3 महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त कर देती है। बटकेश्वर महादेव का स्मरण सुख का देना। ध्यान दीजिएगा महाराज, एक कथा बड़ी सुंदर है कि आप चाहते हैं कि कोई रोग हमको ना घेरे, आप चाहते हैं कि कोई रोग हमको ना घेरे और आपको लग रहा है कि कोई रोग ऐसा है जो घेर रहा है या कोई शरीर में ऐसा रोग उत्पन्न होने वाला है या कोई बीमारी ऐसी उत्पन्न होने वाली, तो उसके लिए सबसे सुंदर तरीका कि शंकर जी पर अलोनी जो गोबरी होती है, गोबरी जानते हो कंडा, अलोना कंडा, अलोनी गोबरी मतलब गाय ने गोबर करा और वो सूख गया, उसको थापा नहीं गया, हाथ से कंडा नहीं बनाया गया, गोबरी नहीं बनाई गई, केवल गाय ने गोबर करा वो सूख गया और वो सूखा हुआ जो गोबर है उसको जलाकर जो भस्म तैयार करी है, उसको जलाकर जो हमने राख तैयार करी है, भस्म बनाई है, उस भस्म को जो तैयार करा गया है वो भस्म शिव को जो हमने समर्पित करा, उस भस्म को सफेद वस्त्र में लिया और बाबा पर, शंकर जी का जो मंदिर आपके करीब में हो, शिव का जो धाम आपके पास में हो, माँ बाबा पर समर्पित करी, उसी भस्म को हम उठा कर लिया। और यदि आप भस्म नहीं चढ़ा सकते तो कभी विश्वनाथ जाएं तो वहां से भस्म लिया, कभी उज्जैनी जाएं तो वहां से भस्म लिया, उस भस्म को हम यदि अपने नाभि से वक्ष स्थल के मध्य में त्रिपुंड लगा लेते हैं, जीवन में अगर आप मात्र एक महीने में एक बार भी त्रिपुंड अपने वक्ष स्थल के नजदीक में नाभि से ऊपर अगर लगा लेते हैं महाराज, तो ऐसा कोई बड़ा रोग आपकी जिंदगी में प्रवेश कर ही नहीं सकता इस शरीर के अंदर। इस शरीर के अंदर भस्म में जो सुख है, भस्म का जो आनंद है, भस्म का जो रस तत्व है, उसको समझिए। पसीना आने लगता हो, घबराहट होने लगती हो, एकदम तुरंत घबराहट हो जाए, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो घबराहट उत्पन्न, तो उसके लिए ध्रुमावती माता का नाम लीजिए और ध्रुमावती माता के नाम से गुड़ की 7 टुकड़े कर लीजिए, गुड़ की जो बट्टी होती है उसके 7 टुकड़े कर लीजिए और ध्रुमावती माता के नाम से जहां पर गौरी और शंकर दोनों विराजमान हो, गौरी और शंकर का मंदिर यदि आप दर्शन करेंगे तो शंकर भगवान का जहां शिवलिंग हो और शिवलिंग के साथ में पार्वती जी शंकर के साथ नीचे ही बैठी हो, सामने दीवार पर या ऊंचाई पर,
शंकर जी के शिवलिंग का आपको कई बार दर्शन कराया, एक विष्णु शिवलिंग होता है, एक डमरू जैसा शिवलिंग होता है जिसको बैठ कर पूजा नहीं जाता, जिसको खड़े होकर जल चढ़ाया, एक शिवलिंग होता है जो जमीन पर ही रहता है जिसको गौरी शंकर कहते हैं महाराज। तो गौरी शंकर का स्मरण कर उमा महेश का स्मरण कर जो शिवलिंग जमीन पर हो, और पार्वती जी भी जमीन पर ही स्थापित, गौरी शंकर का स्मरण कर शंकर भगवान पर प्रदोष काल में समय के शाम के समय पर सूर्य अस्त के कुछ ही क्षण में वो गुड़ की डिलियां आप शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए, और गौरी माता का स्मरण कर उसको उठाकर ले आइए। जिस दिन उठाकर लेकर आए, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार ऐसे 7 दिन लगातार दरवाजे के बाहर उसी शिव मंदिर के द्वार पर बैठकर आप गुड़ की डली को खा लीजिए महाराज। जिंदगी में कभी घबराहट नहीं हो सकती, सिर दर्द नहीं हो सकता, बेचैनी नहीं हो सकती, और पसीना नहीं आ सकता घबराहट के कारण। रात को चक सो आनंदमय, पर गौरी शंकर होना चाहिए महाराज। स्वभाव बदलने के लिए ये जो जगह होती है, भगवान शंकर का जहां शिवलिंग रखाता है, देखिए फिर निवेदन है, अगर अदालत में भी बात चल रही है और लड़का लड़की का संबंध टूट रहा, और कोई बेटी चाहती है कि मेरा संबंध ना टूटे, कोई लड़का चाहता है मेरा संबंध ना टूटे, तो स्वभाव बदलने के लिए जहां शिवलिंग रखा रहता है उसकी जो धारी होती है, जहां शिवलिंग रखा है माता पार्वती का हस्त कमल, ये स्थान सर्वश्रेष्ठ माना गया, सर्वश्रेष्ठ। मालूम पड़े अदालत में आधा केस भी चल गया, 4-5 पैसे भी हो गए और संबंध टूटने की कतार पर, और लड़की चाहे कि मुझे संबंध नहीं तोड़ना, लड़का चाहे कि मुझे संबंध नहीं तोड़ना, तो ये मध्यस्थ बिंदु जहां शिवलिंग रखा है जलाधारी पर, जहां माँ जगत जननी का हस्त कमल है, शंकर भगवान का स्वरूप माँ के हस्त कमल पर जहां पर विराजमान है, उस स्थान पर अगर नारी हो पुरुष हो, शहद और चंदन का स्मरण अगर करवाता है, पूजन करता है, अर्चना करता है, तो 2 पैसे के बाद में वो केस खल्लास हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उनमें प्रेम बढ़ जाएगा और वो संबंध वापिस टिक जाएगा, वापिस टिक, टूटेगा नहीं। इसमें है हमारा तो निवेदन है, अगर भाई भाई में भी विवाद चल रहा है, कोई लेन देन के पीछे बोलचाल बंद हो गई, देवरानी जिठानी की बोलचाल बंद हो गई, भाई भाई की बंद हो गई, घर में सब अपना अपना सोचने लगे, धन कमाया अपने पास रख लिया, उसके लिए भी कि मन मोटा होना हो, प्रेम बढ़े, आसक्तियां, स्नेह, करुणा।